हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं ही बढ़िया हूँ। देखिए सब फेंक रहे हैं हाथ, अम्मा और साहिल। अभी यार जो मॉर्निंग अम्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग अम्मा का गुड गुड का गुड मॉर्निंग 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 और देखिए गाइस स्कोर कितना ज्यादा है। और देखिए इन लोगों को, ये लोग खेल रहे हैं। तो देखिए गाइस, मैं लगा रही हूँ अभी आंगन में झाड़ू। तो सबसे पहला काम है सुबह का झाड़ू लगाने का। तो झाड़ू लगा दिए कमरों में, तो मैंने लगा दिया है और अब आंगन में लगा देती हूँ और उसके बाद बाहर लगाऊंगी। तब तक मम्मी बना रही हैं चाय। तो सर्दी में तो मन तो होता नहीं काम करने का, और 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए पहले आंगन में झाड़ू लगा लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो गाइस आंगन में तो झाड़ू लग चुका है और अब यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी झाड़ू लग चुका है और ये है बथुआ। तो आज बनाएंगे बथुआ की पूड़ी। तो चाय तो मम्मी ने बना ली थी, सभी लोगों ने पी ली है और अब बनाएंगे बथुआ की पूड़ी। तो देखिए बथुआ मैंने धुल लिया है और पतीली में रख देंगे उबलने के लिए। तो देखिए गाइस बथुआ उबल चुका है और मम्मी ने प्लेट में निकाल दिया है। चलिए तो अब बथुआ पीस लेते हैं। और देखिए ये मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन नमक और हरी धनिया और बथुआ सब पीस लेंगे। और ये मैंने डाल दिया है जीरा हींग। तो जीरा हींग तो बहुत ही अच्छा लगता है पूड़ियों में और पराठों में भी। तो चलिए सब पीस लेते हैं। तो देखिए बथुआ मैंने पीस लिया है और मम्मी ने ये आटे में मिला दिया। तो अब आटा लगा लेंगे। और लहसुन अदरक नमक मिर्च जीरा हींग तो मैंने सब डाल लिया था इसी में। तो अब मैं ये डाल रही हूँ धनिया पाउडर और लाल मिर्च और अब आटे को लगा लेंगे। तो देखिएगा इस आटा भी लग चुका है और कढ़ाई मैंने रख दी चूल्हे पर। तो चलिए अब बनाते हैं गर्मा गर्म पूड़ी। तो गाइस बथुआ की पूरी किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए तो बना लेते हैं फूली फूली गर्मा गर्म बथुआ की पूरी। और देखना बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगी और बहुत ही अच्छी बनेंगी।
देखिए गाइस पूरी बन चुकी हैं, एकदम से फूली फूली बढ़िया सी बनी है। तो आटे को आप हमेशा अच्छे से गूंथो तो पूड़ियाँ ज़रूर फूली फूली बनेंगी, पराठे भी बनेंगे, तो खा लीजिए आप लोग भी। तो गाइस पूड़ियाँ बना के और अब मैं जा रही हूँ नल पे पानी भरने के लिए। तो आज लाइट है नहीं इसलिए नल से पानी भरना पड़ा। तो खाना सभी लोगों ने खा लिया था और बर्तन साफ़ करने के लिए रखे थे, तो पानी भर के लिए चल रहे हैं और बर्तन साफ़ करेंगे। तो देखिए गाइस अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ और खाना तो सभी लोगों ने खा लिया था, तो इतने बर्तन रखे थे और चाय के भी बर्तन रखे थे, तो बर्तन साफ कर लेते हैं। तो गाइस बर्तन साफ करके और अब मैं आ गई थी बाहर गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए। और देखिए यहाँ पे कितना गंदा पड़ा, जबकि मम्मी एक बार साफ़ कर चुकी हैं और फिर से गोबर हो गया। तो पानी पिला देती हूँ, और ज़्यादा पानी पियेंगी नहीं गाय भैंसें, सर्दी की वजह से थोड़ा बहुत पियेंगी। तो चलिए गोबर भी साफ़ कर देती हूँ तब तक। तो गाय सब हो गया है सारा काम, गाय भैंसों ने पानी भी पी लिया, गोबर भी मैंने साफ़ कर दिया, घर का भी सारा काम हो गया है। और सर्दियों में दिन तो बिल्कुल छोटा होता, पता ही नहीं चलता, काम में ही चला जाता है। तो अब थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा उसमें मैं पढ़ाई करती हूँ, तो आज काम जल्दी भी हो गया और सर्दी तो आज बहुत ज़्यादा है ही। तो अब बस जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम में मैं पढ़ाई भी करूँगी। तो गाय सारा काम हो चुका है और धूप तो आज निकली नहीं, अभी भी कोहरा है थोड़ा थोड़ा सा। चलिए गाइस तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।